ये खबर बड़े ही दुख के साथ मालेगांव शहर की आवाम को दे रहा हूँ कि शेख रशीद साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, वो इंतकाल कर गए हैं। शेख रशीद साहब के बारे में क्या कहूँ, उनकी बात ही अलग थी। मालेगांव शहर में उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। मालेगांव शहर के गरीब आवाम के लिए शेख रशीद साहब ने न जाने ऐसे कितने काम किए हैं जो उन्हें खुद और उनके फैमिली को भी पता नहीं है, लेकिन उन गरीबों को ज़रूर ये पता है कि शेख रशीद साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया था। तो उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनकी मगफिरत की दुआ ज़रूर करें। शेख रशीद साहब जैसे लीडर मालेगांव शहर को दोबारा मिलना, ये मालेगांव शहर की नसीब की अब बात होगी। अब न जाने वो वक्त कब और कितने सालों बाद आएगा कि शेख रशीद साहब जैसा नेता लीडर मालेगांव शहर को फिर एक बार मिलेगा। जब भी शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई है तो उन्हें हमेशा मुस्कुराते देखा है, कभी परेशान होते नहीं। मालेगांव शहर की आवाम शेख रशीद साहब को कभी भूल नहीं पाएगी। हमेशा शेख रशीद साहब मालेगांव शहर की आवाम के दिलों में ज़रूर रहेंगे। साहब से जब भी मुलाकात हुई है, साहब ने हमेशा प्यार मोहब्बत से हमसे बात की। कभी भी साहब ने ना गुस्से में आकर ना ही ऐसी कोई बात की जिससे दिल नाराज़ हो। सच का सामना न्यूज़ एंकर मैं शेख आसिफ और हमारी टीम साहब को हमेशा हमेशा अपने दिलों में ज़िंदा रखेंगे। अल्लाह साहब की मगफिरत अता फरमाए।